good morning student i hope you all are doing well and today i'm going to discuss with you question number 5 from exercise 13.2 class 9 now the question is saying a cylindrical pillar is 50 centimeter in diameter and 3.5 centimeter uh, sorry meter in height find the cost of painting the curved surface area uh, curved surface of the pillar at the rate of 12 rupees 50 paisa per meter square ये स्टूडेंट यू हैव गिवन डायमीटर इन सेंटीमीटर यूनिट ऑफ हाइट एंड यूनिट ऑफ डायमीटर इज डिफरेंट हेयर यू हैव गिवन डिफरेंट यूनिट्स हेयर सो हाउ आदर यू कैन चेंज इट और यू कैन चेंज द यूनिट ऑफ हाइट बट द इम्पोर्टेंट थिंग इज कौन सा हमें चेंज करना है मीन्स अगर मैं सेंटीमीटर चेंज करती हूँ मीटर में तो यहाँ से मुझे पता चलेगा कुछ बच्चे क्या करते हैं कि हम तो इसे चेंज कर लेंगे ये इजी है है ना वन मीटर इज्ड हंड्रेड सेंटीमीटर हंड्रेड से मल्टीप्लाई करेंगे देन जीरो से जीरो कैंसिल उनको ये इजी लगेगा बट आपको देखना है कि आपको आंसर किस में चाहिए जो कर्व सरफेस एरिया आपको फाइंड आउट करना है उसका आंसर आपको किस में चाहिए तो यहाँ पे मीटर स्क्वेयर में दिया है आपको वन मीटर स्क्वेयर की कॉस्ट यहाँ पे गिवन है इट मीन्स आपको आंसर किस में चाहिए मीटर में देन डेफिनेटली यू हैव टू चेंज योअर डायमीटर इंटू मीटर यू हैव गिवन इन सेंटीमीटर सो यू चेंज इट इन टू मीटर ओके सो स्टार्ट करते हैं बेटा आपको फाइंड क्या करना है क सरफेस एरिया ऑफ द पिलर आपको पता है पिलर किस शेप में होता है सिलेंड्रिकल शेप में होते हैं आपने मेट्रो पिलर भी देखे होंगे ओके तो यहाँ पे ये पिलर है एक तो यहाँ पे क्या बना है बेटा आपको मतलब रेडियस भी की बना है हाइट भी किन है यू जस्ट पुट द फॉर्मूलास ओके स्टार्ट करते हैं बच्चा हाइट इज गिवन टू यू यहाँ पे सॉल्यूशन लिखेंगे हाइट इज थ्री पॉइंट फाइव मीटर रेडियस ऑफ दी सर्कुलर पिलर है ना क्या हो जाएगी बच्चा देखो आपको गिवन है डायमीटर सबसे पहले तो हम क्या करेंगे जो हमारा डायमीटर है उसको रेडियस में चेंज करेंगे आपको पता है जो रेडियस होती है वो क्या होती है हाफ ऑफ द डायमीटर दैट मीन्स फिफ्टी बाई टू उसके बाद आपको क्या करना है सेंटीमीटर में गिवन है मीटर में निकालेंगे तो क्या करेंगे वन बाय हंड्रेड राइट तो यहां से कैंसिल करेंगे जीरो टू जीरो फाइव टू टेन और क्या गया वन बाई फोर आपको पता है वन क्या होता है अपने आप में हंड्रेड हंड्रेड का जो फोर्थ पार्ट होता है वो क्या होता है जीरो पॉइंट टू फाइव अगर इसको सोल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा जीरो पॉइंट टू फाइव मीटर ओके अगर आपको ऐसे नहीं करना है तो यू कैन डू दिस डू इट लाइक दिस लाइक फिफ्टी अपॉन टू दैट इज ट्वेंटी फाइव सेंटीमीटर एंड देन यू कैन चेंज इट टू मीटर तब हंड्रेड से कर लेना डायरेक्ट आ जाएगा ठीक है नाउ इट इज अप टू यू कि आप किस वे में चेंज करना चाहते हो ठीक है यहाँ पे कोई बर्डन नहीं है कि आप एक ही पैटर्न में करें आपको सिर्फ सोल्व करना आना चाहिए राइट स्टार्ट करते हैं नाउ क सरफेस एरिया ऑफ सॉरी ऑफ पिलर क्या होता है भाई टू पाई है ना जो आपका कब सरफेस एरिया होता है वो क्या होता है टू पाई एच एंड टोटल सरफेस एरिया क्या होता है टू पाई आर इंटू आर प्लस एच ठीक है पुट करते हैं भाई टू इंटू पाई मीन्स ट्वेंटी टू बाई सेवन इंटू आर मीन्स ज़ीरो पॉइंट टू फाइव इंटू थ्री पॉइंट फाइव मीटर स्क्वेयर बिकॉज एरिया है तो एरिया है तो मीटर स्क्वेयर में आएगा अगर पैरामीटर होता तो वन यूनिट में आता एंड वॉल्यूम होती तो क्यूबिक में आता राइट तो यहां से स्टार्ट करते हैं भाई सोल्व करेंगे तो क्या जाएगा सेवन वन जावन सेवन फाइव जा ट्वेंटी फाइव तो वन डेसिमल प्लेस है तो वन डेसिमल प्लेस पे जाएगा टू टू जा फोर टू टू जा फोर दैट मीन्स आपके पास क्या आया दिस वन अगर इस कंप्लीट को हम सोल्व करते हैं तो बच्चा हमारे पास क्या आ जाएगा फाइव पॉइंट फाइव मीटर स्क्वेर ओके सो आप सोल्व करके देख लेना साइड में अब देखो मीटर स्क्वायर हमारा आ गया आपको कॉस्ट गिवन है कॉस्ट कितनी गिवन है वन मीटर स्क्वायर पे कितना आ रहा है ट्वेल्व रुपीज फिफ्टी पैसे तो आप लिखोगे कॉस्ट ऑफ पेंटिंग वन मीटर स्क्वेयर एरिया इज गिवन टू यू रुपीज ट्वेल्व फिफ्टी पैसा ओके अगर न मीटर स्क्वायर पे इतना आ रहा है तो फाइव पॉइंट फाइव मीटर स्क्वायर पे कितना आएगा भाई दैट कैन बी डेफिनेटली ग्रेटर देन दिस वन सो ग्रेटर के लिए क्या करते हैं मल्टीप्लाई है ना हमें कोई चीज़ किसी चीज की वैल्यू ज़्यादा निकालनी है तो उसके लिए हम क्या करते हैं मल्टीप्लाई देन यू हैव टू मल्टीप्लाई ट्वेल्व पॉइंट फाइव जीरो विद फाइव पॉइंट फाइव राइट सो आपका आंसर क्या हो जाएगा भाई सिक्सटी एट रुपीज सेवेंटी फाइव पैसा ओके सो यही आपको फाइंड आउट करना था ये आपका आंसर आ गया है क्वेश्चन नंबर फाइव यहाँ पे कंप्लीट होता है ना कम टू द क्वेश्चन नंबर सिक्स नाउ द क्वेश्चन नंबर सिक्स इज कव सरफेस एरिया ऑफ अ राइट सर्कुलर सिलेंडर इज फोर पॉइंट फोर मीटर स्क्वायर, इफ द रेडियस ऑफ द बेस ऑफ द सिलेंडर इज जीरो मीटर फाइंड इट्स हाइट ओके देखो यहाँ पे आपको कव सरफेस एरिया ऑलरेडी गिवन है हमने ऐसे पीछे जो हमारी थर्टीन पॉइंट वन एक्सरसाइज में है उसमें हमने अपनी प्रीवियस क्लास में इस तरह का क्वेश्चन डिस्कस किया था तो आपको कव सरफेस एरिया गिवन है रेडियस गिवन है तो हाइट आप इजली फाइंड आउट कर लोगे है ना जस्ट पुट द फॉर्मूला ऑफ कव सरफेस एरिया ओके सो यहाँ पे स्टार्ट करते हैं तो जो आपसे पूछा जाता है उसको लेट करके चलते हैं लेट द हाइट ऑफ सर्कुलर सिलेंडर इज हाइट है तो एच से डिनोट कर लेते हैं इजिकल टू एच राइट तो अब करते हैं रेडियस आपको गिवन है बच्चा रेडियस ऑफ द बेस इज गिवन टू यू जीरो पॉइंट सेवन मीटर एंड काउ सरफेस एरिया इज ऑल्सो गिवन टू यू इजिकल टू फोर पॉइंट फोर मीटर स्क्वेयर ओके सो हमें क्या करना है फाइंड एच तो यहाँ पे क्या करेंगे कवर सरफेस एरिया हमारे अकॉर्डिंग क्या होता है टू पाई आर एच उन्होंने सोल्व करके क्या दिया है फोर पॉइंट फोर राइट तो यहाँ पे टू रखेंगे टू इंटू ट्वेंटी टू बाई सेवन रेडियस इज इक्वल टू जीरो पॉइंट सेवन इज इक्वल टू फोर पॉइंट फोर जो आपकी एच है यहाँ पे एच लिख देते हैं इंटू एच ओके सो यहाँ से कैंसिल आउट करेंगे तो कितने भी जाएगा ज़ीरो पॉइंट वन सोल्व करेंगे तो बच्चा क्या जाए देखो यहाँ पे भी वन बाई टेन एक पैटर्न बताती हूँ आपको ईजी आप इसको कैसे सोल्व कर सकते हो टू इंटू ट्वेंटी टू ये जीरो पॉइंट वन इसको वन बाई टेन लिख सकते हैं इजिकल टू फोर को क्या लिख सकते हैं फोर्टी फोर बाई टेन टेन जी टेन से टेन कैंसिल आउट हो जाएगा क्योंकि आप देख रहे हो कि लेफ्ट एंड साइड एंड राइट एंड साइड दोनों क्या है देखो अगर ये प्लस में होता ना तो ये नहीं सोल्व कर सकते थे आप बट ये तो क्या है मल्टीपल में है है ना तो मल्टीपल में आप इस तरह से डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से कैंसिल आउट कर सकते हो वैसे भी अगर इस साइड करोगे मल्टीपल जाएगा उस साइड करोगे एक डिनोमनेटर बन जाएगा एक डिनोमिनेटर बन जाएगा तो इस तरह से कैंसिल आउट हो जाएंगे ठीक है हर चीज़ का लॉजिक होता है विदाउट लॉजिक कुछ नहीं होता मैथ में तो मैंने आपको बता दिया इस तरह से आप सोल्व कर लेना ओके तो अब हमें क्या करना है यहां से दिख रहा है आपको टू टू जो फोर टू टू जो फोर ये क्या हो रहा है फोर्टी फोर यहाँ पे एच भी आएगा तो क्या हो जाएगा फोर्टी फोर एच इजिकल टू फोटी फोर आप यूनिट साथ साथ पुट करते रहेंगे तो यहाँ से एच निकालेंगे तो क्या हो जाएगा भाई फोर्टी फोर अपॉन फोर्टी फोर मीटर स्क्वेयर तो क्या आ जाएगा एच की वैल्यू क्या आ गई आपके पास एच इजिकल टू वन मीटर स्क्वेयर अगर आप चाहते तो यहाँ से इसको भी डायरेक्ट कैंसिल आउट कर सकते थे ठीक है बट इट्स ओके आप इस वे में भी कर सकते हो ओके okay. क्योंकि आप हैबिचुअल होते हो इस तरह के पैटर्न में होना भी चाहिए स्टेप बाई स्टेप हम करते हैं बट हम क्वेश्चन की लेंथ हमारी डिपेंड करती है मार्क्स पे एंड जो सेकंड थिंग है वो डिपेंड होती है टाइम पे भी है ना तो एक दो स्टेप हम मिस कर सकते हैं सो नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर सेवन